आज एक छोटी सी जानकारी अगवानी घाट पुल की, चलिए उसका डिटेल हम आपको बताते हैं। 5 मिनट के इस वीडियो में हम आपको अगवानी घाट पुल का पूरा डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, ये मेरा विश्वास है। ये जो सामने सड़क देख रहे हैं, ये है NH31 जहां से अगवानी घाट पुल शुरू हो रहा है और ये जाएगा भागलपुर में NH80 तक, यानी कि NH31 और 80 के बीच में अगवानी घाट पुल का निर्माण हो रहा है गंगा नदी पर। इस क्षेत्र का एक अपना धार्मिक महत्व भी है, इसमें कोई शक नहीं है। यहीं से शिव के भक्त कांवड़ लेकर के बाबा धाम के लिए जल उठाते हैं। प्रत्येक वर्ष यहाँ पे एक मेला लगता है। अगवानी घाट पुल की लंबाई 3.16 किलोमीटर है। इसके अप्रोच रोड की लंबाई 20 किलोमीटर है, जिसमें 4 किलोमीटर सुल्तानगंज यानी भागलपुर जिले में है और 16 किलोमीटर खगड़िया जिला में है, यानी कि अगवानी घाट के तरफ है। यानी 20 किलोमीटर अप्रोच, 3.16 किलोमीटर मेन ब्रिज की लंबाई, चौड़ाई 8.5 गुना 2 पुल की चौड़ाई है और 1.5 गुना 2 इसके फुटपाथ की है। इसका शिलान्यास 2014 में किया गया था, कार्यारंभ 2 मई 2015 में किया गया था। 2019 में इसका लक्ष्य रखा गया था पूरा करने का, दिसंबर 2019 में, लेकिन नहीं हो पाया, उसे बढ़ाया गया और मार्च 2020 का लक्ष्य रखा गया है। केवल स्टेट ब्रिज होगा ये और बैलेंस्ड जो है कैंटी लीवर होगा फुटपाथ सहित। ये मैंने बता दिया 2x2, आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिख रहा है। 2 लेन का पुल अलग है और 2 लेन का पुल अलग है, टोटल 4 लेन है। इस पुल की खासियत ये है कि इसमें डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी होगा गंगा नदी में, इसलिए इसे विश्व का पहला पुल ये बनाता है, ये खासियत डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी वाला। 45 वेल हैं इसमें। इसकी लागत 1710.77 करोड़ रुपये लगभग आ रही है। काम इसका चल रहा है और ये अपने तय समय को क्रॉस कर चुका है, जो तय समय था वो क्रॉस कर चुका है। ताज़ा स्थिति हम फ्लोर पे जाएंगे और वहाँ जा कर के इसका अपडेट देंगे, ताज़ा स्थिति क्या है। सुपर स्ट्रक्चर और इस पुल से लोगों को काफ़ी आशाएं हैं। इस पुल के बन जाने के बाद खगड़िया जिला, और सामने आप अजगैबीनाथ मंदिर देख रहे हैं, वो सामने आपको दिख रहा है, खगड़िया जिला भागलपुर जिला दोनों कनेक्ट हो जाएगा। अभी आने जाने का माध्यम नाव है। पहले एक छोटी गंगा पड़ती है इसमें, फिर बड़ी गंगा पड़ती है जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं। नाव के माध्यम से लोग आते जाते हैं, जो काफ़ी रिस्क भरा होता है और लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। काफ़ी दूर पैदल चल करके गंगा नदी तक आना पड़ता है, फिर वहां से उस पार सुल्तानगंज जाना पड़ता है, जो स्थिति है अभी की। ये छोटी गंगा जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, ये छोटी गंगा पहले पड़ती है जहाँ पर एक लोहे का पुल है। इस पुल की खासियत इसका डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी का होना होगा। वहाँ पे पुल की चौड़ाई सबसे ज़्यादा होगी। सुल्तानगंज पुल या अगवानी घाट पुल के नाम से ये मशहूर है और इस तरह बिहार में बनने वाला ये गंगा नदी पर एक और पुल है। S.P.Singla इसका कॉन्ट्रैक्टर है और BRPN इसका निर्माण करवा रही है। प्रोजेक्ट की ताज़ा स्थिति क्या है? मार्च 2020 का लक्ष्य रखा गया था लेकिन वो पार हो चुका है। कब तक कंप्लीट होगा ये, वो अपडेट हम आपको जब लॉकडाउन समाप्त होगा तो फ्लोर पे जाकर के देंगे, यानी कि हम अगवानी घाट जाएंगे और वहाँ जाकर के इसका अपडेट देंगे। हम आपको लगातार बिहार के बारे में, बिहार के विकास के बारे में, बिहार में हो रहे कामों के बारे में अपडेट देते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दीजिए, और प्रेस करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। हम फिर मिलेंगे किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक इंद्रसेन का प्यार नमस्कार, जय भारत, जय बिहार। और हाँ, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।